तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वी लुकअप। वी लुकअप आज का हमारा टॉपिक है और आज हम बात करेंगे वी लुकअप के बारे में और साथ में ये क्लासेस की जो वीडियोज है यूट्यूब पे जाएगी, तो आपने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ में इस क्लास में बात करेंगे कि किसी ने मुझे फोन पे पूछा था क्या वी लुकअप और एच लुकअप को कंबाइन किया जा सकता है, तो उससे हम चर्चा करेंगे। हालांकि उसकी जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनकी क्वेश्चन थी इंटरव्यू की, तो हम वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक डेटा है, सबसे पहले जाने की वी लुकअप करता है क्या है इसको जानिए। वी लुकअप या एच लुकअप दोनों का सेम काम है कि एक डेटाबेस में से एक पर्टिकुलर यूनिक आईडी के बिहाफ पे या एक एक सर्च की के बिहाफ पे डेटा को लुकअप करता है। जैसे कि बैंक में जाते हैं, बैंक में आपका अकाउंट नंबर डालता है और आपकी पूरी ट्रांजेक्शन डिटेल्स निकाल लेता है। आप जाते हैं वेबसाइट पे अपने यूनिवर्सिटी की, उसमें अपना रोल नंबर डालते हैं और पूरी की पूरी रिजल्ट्स आपको दिख जाती है। तो हजारों लाखों करोड़ों डेटा में से आपको डेटा को ढूंढ के वो दे देता है, तो इसको हम बोलते हैं लुकअप मेथड। और एक काम हम वी लुकअप से आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, तो जैसे कि हमारे सामने डेटा है, इसमें से मुझे अगर 3 नंबर का पूरा रिकॉर्ड चाहिए, तो मान लीजिए कि अगर मुझे वी लुकअप ना लगाऊं तो मुझे यहाँ सर्च करना पड़ेगा 3 को फाइंड और फिर इस डेटा को कॉपी करके फिर यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। देखिए अगर थोड़ा डेटा है तो चल सकता है, लेकिन डेटा हजारों में है तो दिक्कत होगी, तो उस केस में हम यहाँ वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप, क्यों वर्टिकल है, टॉप टू डाउन। So, V lookup के सिंटैक्स को समझिए, lookup value, table array, column index number and range lookup, चार चीज इसमें मांगता है। अब चलो को समझाते हैं। lookup value मतलब कि किसको lookup करना है, जैसे कि account number, आपके account number के बिहाफ पे चाहिए तो account number क्या है, employee ID क्या है, कौन से employee ID को ढूंढना चाहते हैं, तो ये आपको सर्च करना है। फिर आता है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब कि आपका डेटा कहाँ है। अब यहाँ रखिएगा, वी लुकअप जो है लेफ्ट टू राइट लुकअप करता है, आप आईडी के बिहाफ पे सर्च कर रहे हैं ना, तो डेटा में आप आईडी से ही सिलेक्शन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो आईडी 2 नंबर है 3 नंबर जो भी आईडी हमने अभी डाला था, वो आईडी कहाँ ढूंढेगा, वो आईडी ढूंढेगा पहले कॉलम में, इसलिए पहला कॉलम आपका वही होना चाहिए। फिर कॉमा। अब बात आती है कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी क्या है कि मान लीजिए 2 आईडी नंबर 2 के बिहाफ पे उसको 6 कॉलम मिल गए, 6 या 7 कॉलम मिल गए, 8 कॉलम मिल गए, लेकिन स्पेशल रूल कहती है कि एक सेल में किसी एक सेल का डेटा ही लुकअप होगा, किसी एक सेल में किसी एक सेल का डेटा ही लुकअप होगा। तो यहां पे आप क्या करेंगे, बताएंगे कि 1 और 2 दूसरा नंबर एंड कॉमा 0, रिजल्ट आपके सामने आ। अब आपको एक बार और लगा के बताता हूं, इक्वल वी लुकअप, हमने लुकअप प्रेफरेंस को सिलेक्ट किया, क्या बोलते हैं लुकअप वैल्यू को, टेबल एरे में गए, डेटा को सिलेक्ट किया और हमने बताया कि कौन सा टेबल है, कौन सा कॉलम चाहिए, तो 1, 2, 3, तो यहां पर हमने 3 डाल दिया। लास्ट में आता है आपका 0 या हैश, आप देख रहे होंगे क्या है, बता देता हूं आपको। बेसिकली क्या है कि आपको एग्जैक्ट मैच करना है या मैंने उसके आसपास का, तो हमें एग्जैक्ट मैच करना है ना, एग्जैक्ट मैच करना है, इसलिए हम फॉल्स देते हैं। लेकिन आप बोलोगे आप किसी इससे पहले तो 0 दिया था, तो एक्सेल में 0 और फॉल्स एक जैसे होते हैं। अब हर किसी में लगाने की जरूरत नहीं है, मैं यहां इसको फ्रीज करके
इसमें टू फ्रीज भी होगा, एफ फोर इसको फ्रीज करके हम आगे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि सम में 31 आएगा, क्यों? क्योंकि कॉलम नंबर इंक्रीज थोड़ी हुआ है, तो कॉलम नंबर के 3 के जगह पे 4, इसके जगह पे हम 5, उसके जगह पे हम 6, इसके जगह पे हम 7, इसके जगह पे हम 8, इसके जगह पे हम 9, इस तरह से मैनुअल लिखना पड़ेगा। अब एक थोड़ा सा बहुत ये हो जाता है, लंबी हो जाता है, उसका एक और तरीका है कि आप सिलेक्ट करें। अब एक सवाल मुझसे पूछा गया था एक इंटरव्यू में, मुझसे पूछा गया था कि हमारे पास एक डेटा है और मुझे इसमें कई सारे कॉलम्स हैं, जिससे मैंने अभी देखा कि हमने वीलुकअप लगाया, फिर ड्रैग किया, फिर एक एक कॉलम चेंज किया। उनका कहना है आपको एक ही बार वीलुकअप लगाना है और सारे डेटा आ जाने चाहिए। तो हमने क्या किया कि पूरा एरिया कर लिया, देख लीजिए ध्यान से, और सबसे पहला यहाँ B3 एक्टिव है, नहीं है तो आप टैब से एक्टिव कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ टैब और टैब से। फिर हमने यहाँ VLOOKUP का फॉर्मा लगाया, VLOOKUP, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया और डेटा में गया और हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया, और जितने कॉलम नंबर्स हैं हमारे डेटा जो जहां लुकअप कर रहे हैं और इसके बीच में जो कम्युनिकेशन है उसके हिसाब से हम यहाँ पे एक साथ कॉमा कॉमा करके डाल देते हैं, कर ली बाय। ध्यान रखिएगा जरूरी नहीं कि सिक्वेंसली हो, आप अपने कि आप आपका फरवरी दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे क्या है वो अपने हिसाब से 3, 2, 5, 7 ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। कॉलम है जैसे मुझे मान नेम चाहिए जैन चाहिए तो नेम दूसरे पे है, जैन तीसरे पे है, समझ गए। मान लीजिए जैन चाहिए हमको लेकिन जैन यहाँ यहाँ पर है तो आप इसका नंबर डालेंगे, फिर फैब चाहिए तो फैब यहाँ इसके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब यहाँ सिक्वेंस नहीं कॉलम के अकॉर्डिंग होना चाहिए और लुकअप वैल्यू में 0। अब मैं यहाँ पे नॉर्मल एंट्री मार सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑफिस 360 है, बट आप मारेंगे कंट्रोल शिफ्ट आ गया जी। अब आया कैसे तो भुवन जी याद होगा एरे फॉर्मूला? हाँ पता है, वो कंट्रोल शिफ्ट एंड एरे चल रहा है ना, इसलिए मान लीजिए ना 6-7 तक हमने डाल दिया, अब कंट्रोल से एंटर मारेंगे तो हर किसी को नंबर मिल जाएगा, मिल गया ना, ऐसे वीलुकअप को ही मिल रहा है। यहाँ पे एक अगला ऑप्शन आता है कि मेरा थोड़ा सा सीक्वेंस देखना मुश्किल हो जाता है, बट मेरे का मेरा जो ए है कॉलम के हेडिंग है और इसका हेडिंग जो है इसका स्पेलिंग सेम है, सीक्वेंस अलग अलग है बट सेम है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैच का, मैच लुकअप वैल्यू, यहाँ पे लुकअप एरे में गया सिलेक्ट कर लिया कॉमा 0। तो मैच क्या करता है कि वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दोनों में लुकअप करता है, बताता है कि डेटा है या नहीं, अगर डेटा उसको मिलता है क्या करता है, उसका कॉलम नंबर बताता। तो हमने क्या किया मैच में नेम को डेटा के पहले रो में सर्च किया तो हमें बता दिया दूसरा नंबर रो, तो वी लुकअप में हमें यही तो चाहिए क्या। अब इसको ड्रैग करें आगे की तरफ तो सबका कॉलम नंबर दिख गया ना जी। तो मैं यहां पे इक्वल वी लुकअप को सिलेक्ट किया, डेटा को सिलेक्ट किया और कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे हमने यहां पे ले लिया मैच का मैच और यहां पे हम दिया 1 कॉमा, हमने रो को सिलेक्ट कर लिया कॉमा 0। ड्रैग करने से पहले मुझे ए का A4 का ए डेटा को और साथ में B1 का 1 और इसको फ्रीज करना होगा, ये जरूरी है ना। फायदा और भी है कि कल के डेट में अगर जैन अगस्त हो गया तो
एंटर मारते ही मैच अपना रिजल्ट खुद ब खुद चेंज कर देगा, इसका मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। पर अब बात आती है एज लुकअप का कि एज लुकअप का क्या रोल है, फिर मैं दोनों को कंबाइन करूंगा। जैसे मैंने मान लीजिए डेटा उठाया और दूसरे शीट पे गया, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और मैं ट्रांसपोज कर दिया। अब मेरा डेटा जो है टॉप टू डाउन नहीं, लेफ्ट टू राइट। मुझे मान लीजिए 10 नंबर का जुलाई का डेटा चाहिए, समझे जी। तो यहां पे वी लुकअप ना लगा के हम यहां पे एच लुकअप इसको सिलेक्ट कर लिया, टेबल एरे को सिलेक्ट कर लिया हमने, जैसे हम वी लुकअप में करते हैं। वी लुकअप में वर्टिकल करते हैं, यहां ओरिजिन करते हैं, और वी लुकअप में कॉलम काउंट करते हैं, यहां पे रो काउंट करना है। बात आती है कि वी लुकअप एज लुकअप को कंबाइन कैसे करेंगे। तो जैसे कि अभी हमने आपको मैच बता दिया कि मैच से डेटा ले लेंगे, राइट राइट। लेकिन कभी कभी हमें इससे डेटा नहीं हो पाता है, समझे, एज लुकअप से डेटा मैच से डेटा नहीं हो पाता है। तो हम क्या कर लेते हैं, जैसे मैंने एक बार किया था ऐसा कि हमने यहाँ पे नंबर्स को मैन्युअली डाल दिए, मैंने यहाँ पे लाइक ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इतना रखता हूँ। मुझे इस बार मार्च का डेटा चाहिए, ठीक है। हमने वी लुकअप लगाया, इसको सिलेक्ट किया, टेबल में गया। अब यहां कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे हम यहां पे मैच की जगह पे एच लुकअप लगा लेते हैं। एच लुकअप बी टू, उसको सर्च करना है हमें, यहां अपने डेटा को सिलेक्ट करना है। और कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 235 कॉमा 0 और यहां भी कॉमा 0। किया था हमने जैन करना था यहां, डिसीजन आ गया। तो यहां पे हमने वी लुकअप और एच लुकअप को आपस में कंबाइन कर दिया। इसकी जरूरत नहीं थी, बट किसी की क्वेश्चन था इंटरव्यू का, तो हमने सोचा करना सही है। आप लोगों को समझ में आया जी, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट और क्वेश्चन हो तो मुझे कॉल कर लीजिए सर, सर एक प्रॉब्लम है, अभी हम जब सॉफ्टवेयर से डाटा लेते हैं लाइक ओरेकल और एसएपी से, तो एक ही डाटा होता है, लाइक आइटम कोड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में होते हैं बट एक ही टाइप के होते हैं। उनमें वी लुकअप जब लगाने जाते हैं तो 10% 5% जो है मैच नहीं कर, वैल्यू अराइव नहीं होती, मतलब वी लुकअप से आती नहीं है, उनको कितना लिमिटेड। वी लुकअप से ना आने के पीछे दो रीजन होते हैं। पहला जैसे मान लीजिए सुजीत हमने लिखा हुआ है, ठीक, इसमें इन्होंने स्पेस लगाया होता है, स्टार्ट विद स्पेस या कभी कब एंड विद स्पेस हो जाता है सॉफ्टवेयर से जब हम डाउनलोड करते हैं, उसके लिए आप पहले डेटा को ट्रिम कर, ओके, तो स्पेस को ट्रिम करेगा। दूसरा क्या होता है कि आपका नंबर टेक्स्ट नहीं होता, जहां मैच कर रहे हैं वहां नंबर जो है नंबर में होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मैच नहीं ना करेगा,
नहीं, जब जब हमने एक सीट से कॉपी करके दूसरी सीट पे फाइंड करता हूँ तो वो फाइंड करता है उसको एग्जैक्ट, लेकिन जब बोल तो रहा हूँ ना, जब कंट्रोल एफ हम करते हैं 1 2 5 6 तो ए मैं मैच करता है, समझे, मैं रिप्लेस एक ही करेक्टर को सर्च करता है ना। तो क्या क्या करना चाहिए, मैंने ट्रिम मैंने किया, मैंने टेक्स्ट कॉलम किया, फिक्स ब्रीफ किया है। सुनिए, अगर आपका नंबर में प्रॉब्लम है तो आपको वैल्यू का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसका वैल्यू का फॉर्मूला से वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। टेक्स्ट है तो टेक्स्ट आपको ट्रिम क्लीन लगाना होगा तो उससे हो जाएगा, उसके बाद भी नहीं होता है तो करेक्टर है लगा हुआ है जो नहीं। ओके, कॉपी करके नोट पैड पे ले जाइए, वहां पेस्ट कीजिए और वहां देखिए क्या आ रहा है करेक्टर। ओके ओके, कॉपी करके नोट पैड में ले जाए और नोट पैड से फिर चेक कर दे, उसके बाद फिर वहां पे रिप्लेस कर दे तो शायद उसका एरर दूर हो जाएगी। और अगर अभी कुछ तरह की प्रॉब्लम होती है तो एक उसका कुछ सैंपल डेटा हमें भेज दीजिए, हम देख के आपको बताएंगे। कल एक्चुअली मैं पिछले एक घंटे तक लगा रहा, मतलब 8000 लाइन आइटम में 35 लाइन आइटम थे, 35 में केवल जो थे नॉन आइडेंटिफाई वो केवल 5 थे, तो 30 ऐसे थे जिनको इस तरह ट्रिम भी कर लिया, टेक्स्ट कॉलम कर दिया, डिलिमिटेड कर दिया। तो मैंने तरीका बताया उसको आजमाइएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बाय।